हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि कॉलेज स्टूडेंट के करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्वेश्चन ये है कि मेरे स्किल और इंटरेस्ट के साथ कौन से इंडस्ट्रीज या सेक्टर करियर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। तो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसका जो इंटरेस्ट हो, उसका जो स्किल हो, उससे मैच करते हुए जॉब ही उसको मिले, ताकि वो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग जॉब भी हो और करियर में भी वो अच्छा कर पाए। तो इसी की बात हम यहाँ पे करेंगे। और ये जो सवाल है, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनके पास टेक्निकल स्किल तो होती है, लेकिन कई बार वो अपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके स्किल और इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री और सेक्टर में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं? तो यदि आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानेंगे, तो अपने करियर के बारे में एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए उसी की बात हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये इंडस्ट्री आजकल बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो आईटी जो कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में है, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में है, जो वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कर चुकी हैं। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो आईटी इंडस्ट्री आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है। इसमें आपको वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे सब सेक्टर में अपने रास्ते बनाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा फील्ड है जो आजकल और भी तेज़ी से इमर्ज हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें डिग्रीज ले रहे हैं और आगे चल के जॉब भी करेंगे। पर आपको देखो, देखना ये होगा कि क्या आपकी जो स्किल है, आपका जो इंटरेस्ट है, उससे मैच करता है। तो दूसरा फील्ड जो है, वो है डेटा साइंस और एनालिटिक्स का। आज के डिजिटल दुनिया में डेटा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपको नंबर्स और पैटर्न समझने में रुचि है, तो डेटा साइंस और एनालिटिक्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, डेटा इंजीनियरिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे सब फील्ड में एक्सपर्टाइज डेवलप करना होगा, और तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन्हीं फील्ड्स की जो कि एक इमर्जिंग फील्ड है। तो तीसरी जो फील्ड है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आजकल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अगर आपको इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इंटरेस्ट है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आपको एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसमें आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और बायोमास एनर्जी जैसे सब सेक्टर में अपने करियर बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है, वो काफ़ी तेज़ी से बूम कर रहा है और आगे भी करेगा, वो है ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। अगर आपको मशीन और व्हीकल्स में इंटरेस्ट है, तो ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस इंडस्ट्री में आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसमें आप ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोनोमस व्हीकल जैसे सब फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और आखिरी में हम बात करते हैं उस सेक्टर की, जहां पर आपको तभी जाना चाहिए यदि आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और रिस्क लेने की क्षमता हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप आपके लिए एक एक्साइटिंग करियर ऑप्शन हो सकता है। आज के युग में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये आपके क्रिएटिव स्किल को पेश करने का एक मज़ेदार प्लेटफॉर्म बन सकता है। इसमें आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर स्टार्टअप और एजुकेशन स्टार्टअप जैसे सब सेक्टर में अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी इंटरेस्ट और स्किल का सही मेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने स्किल की लिस्ट बनाइए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, उन इंडस्ट्रीज और सेक्टर के बारे में रिसर्च करें जो आपके स्किल और इंटरेस्ट से जुड़ी हैं। तो इसके लिए आपको रिसर्च करके थोड़ा टाइम उसमें देना पड़ेगा, और लोगों से आपको बात करना पड़ेगा। अपने नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क में आप बात कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि इंटर्नशिप उसी सेक्टर में करें जो कि आपके इंटरेस्ट का हो। तो इस तरीके से आप जो अपने इंटरेस्ट का जो सेक्टर है या इंडस्ट्री है, उसमें अपना करियर बना सकते हैं।
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि आपके स्किल और इंटरेस्ट के साथ कौन से इंडस्ट्रीज या सेक्टर करियर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।